स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है अचीवमेंट्स ऑफ न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में बच्चों बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए थे, उनमें से क्या क्या मेन थे मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर कराया था बच्चों, बुक का पहला पैराग्राफ हमारे इस चैप्टर का, उसमें पिंक कलर से मार्क थे तीन अचीवमेंट्स। पहला था डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। दूसरा क्या था, इन्वेंशन ऑफ व्हील। एंड तीसरा था इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। ये तीन मेन क्या थे, ये तीन मेन अचीवमेंट्स थे न्यू स्टोन एज के। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक लेंगे डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। तो बच्चों, जब ओल्ड मैन ने, स्टोन एज के आदमी ने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, मतलब खाना उगाना उसने सीखा, तो अब क्या हुआ, अब वो एक फूड गैदरर नहीं रहा। फूड गैदरर कौन होता है, जो खाना इकट्ठा करता है। तो अब वो खाना इकट्ठा करने वाला नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। अब वो खुद फूड प्रोड्यूस करने लग गया, राइट। क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, अब वो ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकता था, जितना उसे चाहिए था उससे ज़्यादा वो उगा सकता था। ठीक है, नाउ ही कुड प्रोड्यूस मोर फूड ही नीडेड। क्या क्या वो उगाने लग गया बच्चों, कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये सब वो अपनी घर के पास जो अपनी हट बनाता था उसी के आसपास उगाता था एंड हार्वेस्ट करता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो नोमैडिक लाइफ थी, मतलब जो बंजारों वाली ज़िंदगी थी, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, उसकी अब ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब ये लोग एक जगह पे सेटल्ड हो गए। ठीक है, नथिंग इज़ नोन हाउ वाज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्टेड। अब पता नहीं है कि कैसे क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया। देखो, हम ये समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, हम जैसे हम लोग स्टोन फायर की डिस्कवरी के लिए क्या कहते हैं, हो सकता है दो स्टोन्स आपस में गलती से रब हो गए हों एंड उनसे क्या बनी हो, फायर बन गई हो, तो उसे पता चल गया हो कि अच्छा ऐसे हम आग प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। ऐसे पता नहीं कि कैसे किसी ने खोज नहीं की थी कि डिस्कवरी एग्रीकल्चर किसी ने खोज किया हो, ये अपने आप ही हो गया। हो सकता है कुछ सीड्स खाते वक्त उन्होंने कुछ सीड्स डिस्कार्ड कर दियो, फेंक दियो इधर उधर, ठीक है, वेजिटेबल के छिलके वगैरह वो इधर उधर गिर गए हो एंड उपजाऊ मिट्टी में वो स्प्राउट हो गए हो, ठीक है, एंड फिर उन्होंने नोटिस किया, अच्छा तो इस तरीके से हम लोग उगा सकते हैं, अगर बीजे हम लोग ज़मीन में डालें तो वो थोड़े दिन बाद उग सकते हैं। ठीक है, न्यूलिथिक मैन ग्रू द फर्स्ट सीरियल। उसने पहले सीरियल्स क्या होते हैं बच्चों, जो हम खाने वाली क्रॉप्स होती हैं, वो उसने उगाई। क्या थी वो, वीट और बार्ले। क्या क्या था, वीट और बार्ले उसने पहली सीरियल क्रॉप्स उगाई। इसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए उसने क्या क्या इस्तेमाल किया, सिकल्स, सिकल कहते हैं हम हसिया को, सिकल को उसका इस्तेमाल किया उसने उनको काटने के लिए। ही ऑल्सो नीडेड वाटर टू इरीगेट। अब उसने देखा कि हमें, देखो पानी भी चाहिए, जिसमें जिस क्रॉप्स पे पानी पड़ता है वो ज़्यादा अच्छे से उगती है, तो पानी भी चाहिए उसे इरीगेशन के लिए। ठीक है, इसलिए उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो रिवर वैलीज होती थी, जो वैलीज रिवर के पास होती थी, वहाँ पे वो रहने लग गया। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ फैमिली यूनिट्स। ही स्टार्टेड मेकिंग मड हाउसेज नियर हिज फील्ड। तो अब जब एक जगह पे बहुत सारे दिन तक वो लोग रहे तो क्या शुरू हो गया, फैमिली बनना शुरू हो गई, फैमिली यूनिट्स बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो अपने खेतों के पास में ही मटके घर बनाने लग गए। चलिए बच्चों, ये था एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक है, अब जो नियोलिथिक एज का जो आदमी था वो सेटलमेंट्स में रहने लग गया, फार्मिंग और हर्डिंग करने लग गया, हर्डिंग मतलब जानवरों को पालना। ठीक है, अब इसके पास क्या था, अब इसके वो टाइम मिल गया अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, नहीं तो अभी तक वो क्या करता रहता था, केवल अपने खाना खोजता रहता था। ठीक है, अब इसके पास क्या कहते हैं, नई नई स्किल्स डेवलप करने की इसको आदत हो गई। टू स्टोर सरप्लस गेन ही मेड बास्केट्स। अब जो ज़्यादा खाना बच जाता था उसके लिए, उनको बचा के रखने के लिए उसने बास्केट्स बनाई। ठीक है, ट्विग्स से, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं,
पेड़ों की छीले के होते हैं, मतलब पेड़ पे जो नहीं ट्विक्स होते हैं, डालियां आप कह सकते हो या कुछ भी, उससे उसने बास्केट्स बनाई, ठीक है। When he observed the logs, he realized that by rolling them, he could make things move faster. अब यहीं से स्टोन की डिस्कवरी हुई। क्या प्रोसेस था मैं आपको कल बताऊंगी, आज हम इतना ही रखेंगे अपना टॉपिक। एंड आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है पहले सीरियल्स कौन से थे जो न्योलिथिक मैन ने उगाए थे। ओके चिल्ड्रन,